नमस्कार दोस्तों, और एक वीडियो लेके हम आ गए। तो दोस्तों, आज हम एनिमेशन के द्वारा समझाएंगे कि सीसीटीवी कैमरा कैसे कनेक्शन होता है। तो जैसे मेरे घर में एक कैमरा लगा हुआ है, वो सिंपल सा कैमरा है, वो एक बार देख लेते हैं। वो वाला कैमरा एक बार कैमरा को घुमा के देख लेते हैं। ये जैसे एकदम सिंपल सा कैमरा है, ये 9 वोल्ट से चलता है। और इधर हम लोगों का प्लग से एडाप्टर यूज़ किए हुआ है, एकदम नॉर्मल कैमरा है। तो ये तो घर के लिए एक सीसी कैमरा का इस्तेमाल किया गया है, सिंपल सा कनेक्शन था। अगर जैसे इंडस्ट्रियल में जो यूज़ होता है, 3-4 कैमरा एक साथ यूज़ करना पड़ता है, उसको फिर एलईडी स्क्रीन में दिखना पड़ता है, तो कैसे किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के साथ समझाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे मेरा यहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरा है, अब इसको कनेक्ट करना है ये डीवीआर के साथ। डीवीआर का काम है जितना भी सीसीटीवी का फुटेज है वो स्टोर, वो डाटा स्टोर करके रखता है, ताकि हम बाद में उसको देख सकें। अब इसको सीसीटीवी से डीवीआर तक कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को एक केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक केबल हम इस्तेमाल किए हैं, ये केबल कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट किया हुआ है, अगर कोई केबल में कनेक्ट किया होगा नहीं होगा तो हम लोगों को अलग से एक कनेक्टर यूज़ करना है। इस कनेक्टर का नाम है BNC कनेक्टर। ये मेल और फीमेल में आता है, इसको कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ये केबल में चार वायर होते हैं, अंदर में चार वायर का अलग अलग काम होता है। तो जैसे हम लोगों का 2 सीसीटीवी है, तो दोनों में हम लोग तार यूज़ कर लिए हैं कनेक्ट। अब कनेक्शन करेंगे, ये तार के अंदर 4 तार है जैसे बोला, लेकिन अंदर में एक ऑड वाला तार रहता है। जैसे हम लोग घर में जैसे नॉर्मली कनेक्ट जैसे तार यूज़ होता है, उसके अलावा एक अलग सा दिखने वाला तार यूज़ होता है। वो वाला तार क्या होता है, सीसीटीवी का जो फुटेज है वो डीवीआर तक लाता है। जो जितना भी फुटेज मतलब आएगा वो डीवीआर उस केबल से आएगा, और ये वाला तार इस केबल, ये मेल वाला कनेक्टर में कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे कनेक्टर के साथ कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप लोग जब यूज़ करेंगे तो कनेक्टर के साथ यूज़ करेंगे। वो मेल BNC वाला जो कनेक्टर है उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो वीडियो इन करके लिखा हुआ है, वीडियो इन वाला पॉइंट में घुसेगा, वो ऑड वाला तार घुसेगा, और बाकी जो 3 तार है वो ऑडियो के लिए काम आता है। ऑडियो कोई वीडियो मतलब इसके लिए काम आता है, और ये वाला तार फुटेज के लिए काम आता है। तो जैसे ये वाला तार कनेक्शन किए हैं, तो इसमें भी सेम वैसा ही होगा। जो ऑड वाला तार रहेगा वो मेल वाला पॉइंट में जाएगा, और इधर वाला जो है यहाँ पे वीडियो इन करके जो और एक पिन है वहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वाला तो कनेक्शन हम लोगों का हो गया। अब बाकी जो पॉइंट रहता है वो ऑडियो, कुछ अगर वीडियो कुछ होगा तो उसके लिए काम होगा, और बाकी ये जो फुटेज है वो स्टोर करके DVR तक हार्डवेयर में रखता है। और इसको पावर देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे SMPS का, 12 वोल्ट का SMPS है। 12 वोल्ट चाहिए हम लोगों को DVR तक लाने के लिए, लेकिन SMPS चलेगा 230 वोल्ट जैसे हम लोगों का नॉर्मली करंट है उसी में चलेगा। अगर SMPS नहीं है तो 12 वोल्ट का एडाप्टर से भी होगा। तो इसको पावर देने के लिए हम लोग को एक सॉकेट चाहिए, पावर चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ से हम प्लग के जरिए इसमें पावर ले लेंगे, SMPS तक पावर आ जाएगा। SMPS का आउटपुट में जो पॉइंट रहता है, 4 पॉइंट रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है। तो यहाँ से 2 तार यूज़ करके 12 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, 2 तार यूज़ करके हम लोग ये DVR तक ले जाएंगे। जो DVR का पावर वाला जो पिन रहता है वहाँ पे हम लोग पावर ले जाएंगे।
और DVR के जरिए ही इस केबल के जरिए हम पावर जाएगा। तो एक तार यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं और नेगेटिव वाला तार नेगेटिव में यूज़ कर लिए हैं। तो ये वाला कैमरा में हम लोगों को पावर आ गया और जो जो फीमेल वाला कनेक्टर है ये वाला पावर SMPS से पावर फीमेल वाला कनेक्टर में जाएगा। तो CC कैमरा में पावर आ गया, जो कैमरा को चलाएगा उसमें पावर आ गया। तो ठीक उसी तरह ये वाला कैमरा में भी वैसा ही होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला तार है वो 12 वोल्ट SMPS का 12 वोल्ट आउटपुट जो हो रहा है उसमें कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से फीमेल वाला जो कनेक्टर है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन हो गया। तो कैमरा तक पावर हम लोगों को आ गया। अब DVR में पावर चाहिए, DVR को चलाना पड़ेगा तो DVR में भी पावर चाहिए। तो देखते हैं DVR जैसे हैं, DVR अगर 12 वोल्ट चलेगा, 9 वोल्ट का भी रहता है, 12 वोल्ट का भी रहता है, तो DVR में ही एक एडाप्टर आता है, DVR से ही आता है, उसको अलग से ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो ये वाला जो पावर वाला पॉइंट है, पावर वाला पॉइंट से एक केबल कनेक्ट करके मेन पावर तक लाना पड़ेगा। तो DVR तक पावर आ गया, DVR पावर आ गया मतलब मेरा कैमरा का जो जितना भी फुटेज है वो सब DVR स्टोर करके रखेगा ये वाला पॉइंट से। अब इसको अगर LED स्क्रीन में हम लोग देखेंगे, जैसे सड़क में एक लगा हुआ 3-4 कैमरा का अगर यूज़ करेंगे तो स्क्रीन में अगर जो देखेंगे उसके लिए हम लोगों को VGA केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। VGA केबल कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ऐसे कनेक्ट होता है, इधर एक पॉइंट होता है, इधर एक पॉइंट होता है, इसको VGA केबल बोलते हैं। तो VGA केबल जो ये वाला DVR का जो ये वाला पॉइंट है, स्क्रू सिस्टम टाइट है, यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट होके मॉनिटर में जो पीछे रहता है वहाँ से ये पावर मॉनिटर को दे देगा और इसी केबल से जितना भी DVR में फुटेज रखा हुआ है वो सब इंस्टॉलेशन करके रखेगा और मॉनिटर को भेज दे रहेगा, कैमरा 1 कैमरा 2। और मॉनिटर में जो पावर चाहिए वो एक हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा मतलब स्पेस के चलते कुछ मतलब डिस्टर्ब हो रहा है। USB वाला जो डाटा रहता है, USB वाला ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट में USB अगर यूज़ करते हैं तो यूज़ करेंगे, लेकिन स्पेस के चलते ये वाला अब नहीं दिखाएंगे। अब इसको अगर हम लोग इंटरनेट में चलाएंगे, जैसे हम लोग बाद में अगर हम देखेंगे वीडियो तो इसके लिए एक राउटर का ज़रूरत पड़ता है। राउटर का मतलब DVR में जो रहता है, मोबाइल में भी होता है, मोबाइल से भी इंटरनेट मतलब होता है, लेकिन राउटर चाहिए हम लोगों को। एक राउटर का जो राउटर में पावर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ये जो एडाप्टर है एडाप्टर से ही पावर राउटर में जाएगा, वो राउटर से ही एक एडाप्टर आता है, अलग से ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो राउटर का पावर देने के लिए ये वाला पॉइंट आप लोगों को दिखेगा, पावर इन करके लिखा होगा उसमें पावर जाएगा। और राउटर का जो इन होगा वो ये वाला में इन होगा। और इसका जो प्लग चाहिए, इसका इथरनेट केबल हम लोग बोलते हैं इसको, जो इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, कुछ इस तरह से होता है केबल। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम लोगों को आएगा जो DVR का ये वाला पॉइंट है, ऊपर में ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट में कनेक्ट होगा। तो हम लोगों को हो गया। अब ये वीडियो ऑडियो है, ये वाला वीडियो अगर हम लोगों को ऑडियो चाहिए, ऑडियो मतलब कैमरा में जो बात कर रहे हैं
वो अगर ऑडियो में हम लोग सुनेंगे तो भी होगा। यहाँ से केबल जाके ये ऑडियो इन है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया हम लोगों का सीसीटीवी इंस्टॉलेशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।